हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। बिहार शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण खबर लेकर इस वीडियो में मैं उपस्थित हूँ। ग्रीष्मावकाश में 8 से 10 बजे तक होगा विद्यालय का संचालन। अभी अभी लेटर जारी किया गया है, देखते हैं उस लेटर में क्या वर्णित है। और दोस्तों, पहले से ही खबर था कि गर्मी की छुट्टी में विद्यालय खुला रहेगा और उसी से संबंधित ये निकल कर के आया है कि 8 से 10 बजे तक जो है 2 घंटा विद्यालय का संचालन चलने वाला है। देखिए विस्तार पूर्वक देखते हैं। बिहार सरकार शिक्षा विभाग बिहार पटना प्रेषक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव निदेशक माध्यमिक शिक्षा सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को यह लेटर लिखा गया है। विषय है माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 9वीं एवं 11वीं की वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण या शामिल नहीं होने वाले विद्यार्थियों के संबंध में। माध्यमिक या उच्च माध्यमिक के लिए स्पेशल ये लेटर निकाला गया है। 9वीं और 11वीं के वार्षिक परीक्षा जो हुआ है उसमें जो छात्र या छात्राएं अनुत्तीर्ण हुए हैं या परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए हैं उनके लिए, उन्हीं के संबंध में ये लेटर जो है प्रकाशित किया गया है। प्रसंग है विभागीय पत्रांक 9/34/2023 318 दिनांक 30/3/2024। इस दिन को जो पत्रांक जो एक पत्र आया था उसी के संबंध में ये है। महाशय उपयुक्त विषयक प्रासंगिक पत्र का स्मरण करें। पत्र के माध्यम से कक्षा 9वीं एवं 11वीं की वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण अथवा शामिल नहीं होने वाले छात्र या छात्राओं के लिए पहली 1 अप्रैल 2024 से 25 मई 2024 के बीच विशेष कक्षाएं संचालित करते हुए विशेष परीक्षा आयोजित करने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में निम्नांकित निर्देश जो है दिए जा रहे हैं। क्या क्या निर्देश है देखिए। पहला निर्देश है कि दिनांक 15 अप्रैल 2024 से 15 मई 2024 यानी ग्रीष्मावकाश की अवधि में कक्षा 9वीं एवं 11वीं की वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण अथवा शामिल नहीं होने वाले विद्यार्थियों के लिए विद्यालय परिसर में विशेष कक्षाएं संचालन हेतु निर्धारित समय पूर्वाह्न 10 बजे से 12 बजे को परिवर्तित करते हुए पूर्वाह्न 8 बजे से 10 बजे तक निर्धारित किया जाता है। मतलब 10 से 12 बजे जो पहले था उसको परिवर्तित करते हुए 8 से 10 बजे तक जो है ये निर्धारित किया गया है। दूसरा जो सूचना है देखिए, विद्यालय में पदस्थापित सभी शिक्षक पूर्वाह्न 8 बजे के पूर्व विद्यालय में आएंगे, सभी शिक्षक आएंगे तथा विशेष कक्षा संचालन उपरांत विद्यालय से प्रस्थान करेंगे। विशेष कक्षा चलाने के बाद ही प्रस्थान यहाँ से करेंगे, ठीक है। तीसरा है यदि वार्षिक परीक्षा 2024 में कक्षा 9वीं एवं 12वीं के अन्य उत्तीर्ण विद्यार्थी भी विशेष वर्ग संचालन में आते हैं तो उन्हें भी विशेष कक्षा में शामिल किया जाएगा। मतलब जो पास कर गए हैं वो भी इंटरेस्ट रखते हैं पढ़ने में तो विशेष कक्षा में उनका भी स्वागत है, उनको भी पढ़ाना है। अगला है कि विद्यालय के प्रधानाध्यापक विशेष कक्षा संचालन के पश्चात नए बच्चों का नामांकन की कार्रवाई करेंगे तथा नामांकित बच्चों का विवरण ई शिक्षा कोष पर एंट्री कराएंगे। नामांकन हेतु आधार कार्ड वांछनीय है। आधार कार्ड निःशुल्क बनाने की व्यवस्था माध्यमिक विद्यालय स्तर पर की गई है। मतलब जो प्रधानाध्यापक रहेंगे विशेष कक्षा के अंतर्गत वहाँ पे बैठे रहेंगे, उनका काम है कि नए बच्चों का नामांकन करवाना और आधार कार्ड के जरिए ही नामांकन करना, ये जो है वांछनीय है, ज़रूरी है। ई शिक्षा कोष पर उसको इंटर करना है, ये काम है, ठीक है। पचवा है दिनांक 15 अप्रैल 2024 से 15 मई 2024 ग्रीष्म अवकाश की अवधि में हाउस कीपिंग एवं अन्य साफ सफाई का कार्य चलता रहेगा। आईसीटी कक्षाएं भी
8 बजे से 10 बजे तक चलती रहेगी। यह इसलिए भी आवश्यक है कि न सिर्फ कंप्यूटर शिक्षण हो यपितु आईसीटी लैब की साफ सफाई एवं सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। ऐसा अनुभव रहा है कि ग्रीष्म अवकाश में कई संस्थानों पर कंप्यूटर चोरी हुई है। छठा है, विद्यालय के लिए अन्य बुनियादी सुविधाओं तथा आधारभूत संरचना, पेयजल आदि को उपलब्ध कराने से संबंधित कार्य भी दिनांक 15 अप्रैल 2024 से 15 मई 2024 ग्रीष्मावकाश की अवधि में चलता रहेगा। उपर्युक्त का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाए, दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। तो ये देखिए 9/4/2024 आज ही के डेट में जो ये पत्र जारी किया गया है। तो ये जो पत्र है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए स्पेशल निकाला गया है। जो भी पॉइंट था मैंने आपको बता दिया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।